रामगढ़ के भुरकुंडा, गिद्दी और गोला में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डूबती नैया को बचाने के लिए कई प्रदेश के दिग्गज झारखंड में आ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री को भी यहां का चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन रघुवर सरकार की डूबती नैया अब बचने वाली नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि देश सहित झारखंड प्रदेश में सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती रह रही है। लगता है जंगल राज आ गया है। रामगढ़ के भुरकुंडा और गोला में आज महागठबंधन की ओर से जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें हेमंत सोरेन ने शिरकत किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद सहित महागठबंधन के प्रमुख नेता उपस्थित हुए। जनसभा में जहां एक ओर बड़कागांव विधानसभा से महागठबंधन की प्रत्याशी अंबा प्रसाद के लिए हेमंत सोरेन ने लोगों से वोट देने की अपील की, वहीं दूसरी ओर रामगढ़ विधानसभा की प्रत्याशी ममता देवी के पक्ष में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने जनता से महागठबंधन की प्रत्याशी ममता देवी को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस चुनावी समर में कई लोग झंडा, बैनर और पोस्टर लेकर पहुंच रहे हैं, जिसमें कुछ गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, और झारखंड की डूबती नैया को पार करने के लिए प्रधानमंत्री को भी यहां का चक्कर लगाना पड़ रहा है। लेकिन यह तय है कि झारखंड में रघुवर दास की नैया को अब कोई नहीं बचा सकता। पिछले 5 वर्षों में भाजपा, आजसू और उसके सहयोगी दल के लोग ने जिस प्रकार झारखंड के लोगों को रुलाया है, आंगनवाड़ी सेविकाओं को दर्द पहुंचाया है, पारा शिक्षकों को रुलाया है, इसलिए अब यह सरकार बचने वाली नहीं। जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। कुछ लोग महाराष्ट्र से भी आ रहा है, कुछ लोग दिल्ली से भी, हरियाणा से भी आ रहा है, कुछ यूपी से भी, मुख्यमंत्री सब भी आ रहे हैं। आज झारखंड की डूबती नैया को पार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को भी चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन अब यह तय हो गया है कि अब इस राज में रघुवर दास की नैया नहीं बचने वाली है। जिंदाबाद। आज 5 सालों में जिस तरीके से आरसीयू और भाजपा के लोगों ने इस राज के गांव से शहर तक के लोगों को रुलाया है, और जिस तरीके से यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के महिलाओं पर, यहाँ के पारा शिक्षकों पर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका पर, व्यापारियों पर जिस तरीके से अत्याचार की है, वो आप कोई भूल नहीं सकता। आज इस राज्य में शहर से लेके गांव तक त्राईमाम है, चारों तरफ डर भय का माहौल है। ऐसा लगता है ना जाने कब कौन सी घटना घट जाए, ना जाने कहां मॉबलिंग जी करके लोग जान ले ले, ना जाने कहां बच्चे चोरी के नाम पर लोगों की हत्या हो जाए, ना जाने गौ तस्करी के नाम पर हमारे मुसलमान भाइयों की हत्या कर दी जाए, ना जाने डाक ईसाई के नाम पर हमारी कौन सी महिलाओं के साथ उसकी जाने ले ली जाए। चारों तरफ डर भय का माहौल है। न्यूज लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है